कुछ लिखा नहीं है, फोटो भी नहीं है। गाइस चेक कर लो आप। सो यार, ये वो वाला रास्ता जो पुरानी मूवीज में होता था। मतलब इधर से, ठीक है चलो। तो सारे तैयार हो रहे हैं, पूजी वूजी तैयार हो रही है, साथ में मॉम भी तैयार हो रही है, एंड आपको नीचे जाके मिलते हैं, ठीक है। सो यार ये हो गया, तो रात में आपको घर बता नहीं पाए हम, तो ये इधर सब पूजिएगा, एंड अभी तो हम जा रहे हैं सीधा किधर, साल को, ठीक है, उधर निकलते हैं उसकी ओर, चलो फिर। सो यार ये रही हमारी गाड़ी, एंड इधर से ले जानी हमने पीछे बैक की ओर, तो ले जाते हैं इसको, चलो। सो गाइस अब हम फाइनली जाने वाले हैं गुरुद्वारे, एंड हम निकलते हैं साथ में पिंकी पूजी एंड क्या नाम है इसका, मम्मा मम्मा हेलो बोल दो। हेलो वाह, हेलो हेलो, दोनों को हेलो बोल दिया उन्हें, तो अभी निकलते हैं, ठीक है चलो। फाइनली गाइस देयर आर कुछ व्यू, एंड पहाड़ों में आप देखो कितने सही ट्रीज हैं, वाव कितने ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है उधर पूरा। सबसे ज़्यादा ना इस चीज़ का मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ का, एंड आपको बताइए अभी कितने दूर जाना हमने। अगर बारामूला से आप हो तो आपको पता होगा, हम तो जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो देखते तो गाड़ी वाले कैसे निकलते, बट कुछ इंडिकेटर भी नहीं देते। गाइस ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे टनल आते ना तो ये पीछे ये वाला साइड है, दो में दो रास्ते हैं, इधर नाका नाके में कैमरा बंद करना पड़ता है, कैमरा ले जाते हैं मुड़ना। ये रही एप्पल ट्रीज जहाँ पर एप्पल मिलते हैं, तो बारामूला में भी एप्पल का बहुत बड़ा बाग रहता है, चौक एंड चौक देख लो कितना प्यारा चौक बना हुआ है, इधर से जाना ना, चलो इधर से निकलते हैं। चलो गाइस हम निकल गए यार, ओहो तो इधर से हमें जाना है, तो पूजी मेरी इतनी आती है तो पता है रास्ता, हमें नहीं पता, वही बता रही हमें, देखो यार क्या सीन है इधर। और नहीं मारता, आप भी सीधे आते हम भी सीधे आते, ये तो सीट लग किस हो जाती थी, बम्पर बम्पर चलो जो मजा अटकी हो जाती थी। अभी हमने जाना है, बड़े दूर जाना है यार। तो गाइस बर्फ वाले माउंटेन देख लो पीछे पहाड़, ये उरी उरी वाला साइड पहाड़ है, जो उसी साइड वाले, वो तो उस साइड पर तू नहीं, उस साइड ये उसी के साथ वाले जो पहाड़ है भाई बहन उसके, एंड एड़ा कुछ व्यू सीन क्या सीन, वाव अरे रास्ता देखने लायक है, थोड़ा सा खराब है बस, और मैं और मेरे पापा जो पापा नींद करे, चलो। सो यार ये वो वाला रास्ता जो पुरानी मूवीज में होता था, देख लो पुरानी मूवी वाला रास्ता है, सिंगल सामने का कुछ होता नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ऐसा ही रोड मुझे अच्छा लगता है, और तो बाइक हो ना अपनी तो मज़ा ही आ जाएगा, गाड़ी में ऐसे रास्ते पे मज़ा नहीं आता, और इतनी अच्छी धूप है इधर तो बाइक पर ही मज़ा आएगा, देख लो रोड सीन, देख लो सीन जैसे हमारी आँखें देखी ना ऐसा आपको बता रही, ट्राई करें बताने का,
तो इधर हम पहुंच रहे टीबी साहिब, टिपियाना साहिब। चलो देख लो, सीन मस्त आना चाहिए, बस आप लोगों को मजा आना चाहिए देखने का। तो ये रहा रोड। सो फाइनल गाइस आप पहुंचे टीबी साहिब एंड टिपियाना साहिब, मतलब तो आपको एंट्रेंस बताते हैं उसका, ठीक है। तो ये रहा कुछ एंट्रेंस एंड ऊपर रहा गुरुद्वारा साहिब, तो इधर आर्मी भी है एंड ये रहा लंगर हाल, जहाँ पर मतलब रोटी वोटी खा सकते हैं एंड वॉशरूम की सुविधा भी मतलब इधर ही है एंड रूम्स भी इधर ही है। तो ऊपर जाओगे तो ये रहा गुरुद्वारा साहिब, चलो दर्शन करके आते हैं। अपने शूज वूज निकलते हैं एंड उसके बाद उसी ऊपर चलते हैं। देखो यार पूरे मतलब जंगल में बना हुआ है, इधर ना मंकी भी है बंदर, अपना कैमरा भी जाना पड़ेगा उनसे। एंड गाइस ये रहा गुरुद्वारा साहिब एंड नीचे जोड़गढ़ ऊपर है गुरुद्वारा साहिब, तो ये रहा कुछ व्यू। अभी जो ये सत्य ने नया बनाया मुझे लगता है, चलो दर्शन करवा के आते हैं आपको। तो ये रहा कुछ निशान साहिब, गाइस ये चेक कर लो आप, एंड साथ में ये व्यू। इस स्थान पे अपने माता पिता की याद करते अपनी धर्मपत्नी सुरवासी दुर्गा कौर की याद विच से जाते हैं दर्शन करने एंड रास्ते में आपको बताएंगे वो बड़े रूम उनकी क्या बता, कैमरा छीन लिया हमसे तो कैमरे को टाइट लगते हैं, ठीक है। तो भरोसा नहीं होगा, देख तो मुझे ही रहा है एंड वो ही मॉम, तो मॉम उधर से भी ऊपर आई देते हैं, ये नीचे मतलब सीढ़ियों वाला भी रास्ता है एंड पैदल वाला भी रास्ता, देखते हैं। मॉम वाह मम्मी आ जा आ जा, चलो। तो यार इधर बर्फ पड़ती थी ना, स्नो पड़ती थी, ये था ना क्या था निकाशी, ये मैंने हैंडमेड है निकाशी, तो किस तरह से बनाया, अभी तो बन रहा है मतलब गुड़ था एक, तो अभी कोट रोल आ रहा है। ऊपर कौन बैठता था, संजीव बैठे थे, हाँ तो नाम नहीं बता, कोई बात नहीं, होता है होता है, बोलिए। इधर के जो बांदर है ना वो भी दरबार मुंह के साथ है, स्नो पड़ती है तो नीचे हो जाते हैं, गर्मी होती है तो ऊपर आ जाते हैं। चाहिए ले नहीं मॉम, क्या मॉम मुझे मार डाली, चलो यार अभी निकलते हैं, ठीक उतरते हैं मतलब नीचे, अभी ऊपर भी जाएंगे दर्शन करने, पहले थोड़ा सा नीचे जाते हैं ना आपको बताते हैं, हटते हैं, ठीक है। कैमरा ताकि कैमरा मेरा छीना ले एंड अटैक ना कर दे, ठीक है। तो मंत जी हाँ, तो गाइस इधर ना एक चीज है, महारत्न ने क्या बोला था जब ऐसे बंदर तो देखे थे, तो बैठ मैं तुझे देखती हूं, बोलो जैसे बंदर एक दूसरे को नहीं देते थे, तो वो बोल था हम दो भाई बैठ के देते एक दूसरे को। चलो क्या कहता था अपनी बोली दस तो चलो, तब हम छोटे छोटे थे, छोटे छोटे मीन्स छोटे छोटे, चलो बैठना है वो पीछे से मार दे वो, ये देखो सीन, चलो ओ भाई कड़ कर रहा था वो, यार मैं सोचे कैमरा गया मेरा, अरे यार कुछ सीन। सो गाइस हम सीधा अंदर चले गए एंड नीचे कुछ है, चलो देख कहते हैं, पहले इधर बाबा था उठा लिया, लाइट ही नहीं है इधर, लाइट करते हैं फोन की एंड देखते हैं, चलते हैं नीचे,
लाइट नहीं बजी है ये फूड लाइट वाली है भाई फोन की लाइट चलो पर कुछ लिखा नहीं अंदर फोटो भी नहीं है पहले तो फोटो वोटो थे क्या किया उन्होंने पता नहीं समझ नहीं आया ये शे शे बकरियाँ सी ना दो दिन जैसे बकरियाँ ना जा तो पसंद है ना गोल पसंद है तो पसंद है सुबह उन्होंने चेंज ही कर दिया इतिहास कदर सी नहीं है पहले इधर अच्छे थे मतलब डांट था अब कुछ नहीं इधर तो भी तो निकलते हैं क्योंकि मैं भी काफी टाइम बाद आया हूँ ठीक है काफ़ी टाइम बस इन द 3 साल बाद आया हूँ ठीक है शायद 3 साल बाद आए हैं तो अब जितने नीचे लंगर खाने गाइस एंड बॉल होते हुए देख लो कितनी देर बाद चले गए यार और नीचे का व्यू बताते हैं आप देख लो गाइस कितनी देर फॉलो हो रही यार भी हम बाहर तो आ गए तो साथ में ये देखो ये रहे अपने पेड़ सेब के देखो कितने बड़े बड़े मतलब अभी छोटे छोटे ना ऐसे छोटे छोटे ये वाले भी बड़े इकट्ठे होते हैं ये जो दूसरे वाले वो होते हैं ना बड़े बड़े वो मीठे हो जाते हैं बाद में तो वैसे पहले ऐसे स्टार्ट होता है खटे खटे यानी हर गुरुद्वारा साहिब सो यार देख लो ये ना बारी की बारी है एंड हर जगह सेब ही सेब है तो हम नीचे उतर रहे क्या पता इधर से रास्ता दिख रहा है ये सेब हो ना रास्ते में क्योंकि रास्ते का मार सबका होता है जो बीच में एंड पार्क में हम जा नहीं रहे हैं तो बीच वाले ये वाले दो हैं तो ये वाले दो उतार देते हैं एक एंड दो चलो खुदा है खाने के लिए बोलते हो उतारो नहीं चलो दो खा लो इससे टेस्ट कर लो कैसा क्योंकि अपना माल नहीं है अपना माल होता तो गाँव का हर एक सेब उतार के लाता है चलो हम जाएंगे फिर से सेब लाने चलो गाइस टेस्ट करते हैं कैसा है अच्छा है ना मीठा है ना खट्टा 50-50 अभी रस भी नहीं इतना अच्छा है कच्चा है कच्चा अभी हाँ मैं अच्छे से बनानी है जब बन जाएगा तब खाएंगे अभी इतना खाते हैं अभी बारिश बारिश थी अब सारी बारिश खत्म होगी एंड देख लो भीड़ कितनी है चलो अभी रोटी खाने लंगर खाने जाते हैं लंगर खाते हैं फिर आपको मिलते हैं ठीक है लंगर खाते हैं फिर आपको मिलते हैं ठीक है एंड गॉड यार मेरी जो गाड़ी है वो ऊपर है मतलब कि स्टेज आमने सामने कोई गाड़ी नहीं है वरना मुझे मुश्किल हो जाती है एंड जैसे बाकी गाड़ी की गाड़ी आगे गाड़ी पार्क की ना हमारी गाड़ी ऐसे खुली हुई है ऊपर है तो निकलने वाले हैं इन करते हैं गुरुद्वारे साहब को बाय बाय टाटा चलो वाई फाइनली गाइस हम निकल गए एंड मॉम एंड भूजी मेरी कितनी तेज चलती है यार किधर पहुँच गई वो चलो इनको इधर छोटी ना इनको उधर पैदल चलो चलो पहले मत बैठी अब चलो आने दो उनको वो पीछे आ रही है आने दो आने दो आने दो देखा जैसे गाड़ी के पास पहुंची गई चलो मेरे मतलब ऊपर वाला मेरे साथ है ना बस वो ही बड़ी बात है चलो तो चाइना का वो सीन याद है जो खेतों के ऊपर खेत होते हैं वो ही वाला स्वामिन वाला कितना सही है खेत के ऊपर खेत खेत के ऊपर खेत खेत के नीचे खेत खेतों के नीचे खेत ये सारे चावल की खेती है खेती सॉरी
मजा आ गया मजा। चलो अब ऐसे रो रहे एंड उतर तो हम नीचे बच्चे उड़ गया था। मैं अब इनको फास्ट एंड फ्यूरियस बनने वाला हूँ। ये दफा मेरे पास हो जाए ना। मैं फाइनली गाइस हम पहुंचे एंड तो चलते हैं अंदर। ठीक है तो हमने फाइनली इधर हमने पार्किंग लगा दी गाड़ी की, तो चलो अंदर घर के अंदर। सो फाइनली आज हम पहुंच रहे हैं एंड स्ट्रेटनर हम कल जाएंगे क्योंकि आज थक गए हम बहुत ज़्यादा एंड रेस्ट करते हैं हम। ठीक है व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं कल टुमारो। बाय बाय टाटा सी यू।